केरल के कोची ब्लास्ट मामले में पुलिस ने डोमिनिक मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया है। डोमिनिक मार्टिन वही शख्स जिसने रविवार को कोची की प्रेयर मीट में सीरियल बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक लाइव किया था। त्रिशूर पुलिस के सामने उसके बाद उसने सरेंडर किया। करीब 24 घंटे तक पुलिस कस्टडी में उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद डोमिनिक मार्टिन को पुलिस ने अरेस्ट किया। पूछताछ में मार्टिन ने पुलिस को ये बताया कि उसने 50 देसी बम और 8 लीटर पेट्रोल खरीदा। साथ ही उसने 6 आईईडी, 2 रिमोट कंट्रोल भी बनाए थे। सुबह 7:40 पर डोमिनिक मार्टिन कन्वेंशन सेंटर गया। 9:40 पर पहला धमाका हुआ और ये सब कुछ उसने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। फिर एक होटल के कमरा नंबर 410 में जाकर उसने फेसबुक लाइव किया और धमाके की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद कोची से त्रिशूर पहुंचा और वहां पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस की पूछताछ के बाद अब यूएपीए की धारा के तहत सोमवार को आरोपी की गिरफ्तारी दिखाई है।